आज मैं बनाने जा रही हूँ गणपति जी के फेवरेट मिठाई मोदक। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल विद अनुलेखा। सो मिक्स कंटेन वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, मेरी कढ़ाई गर्म हो रही है। अब मैं इसमें डालूँगी हमारे 2 चम्मच घी। ये देखिए, मैंने यहाँ पर घी डाल दिया है 2 चम्मच। आप चाहे तो ज़्यादा घी भी डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच और डाल दिया। तो फ्रेंड्स, ये मेरा घी हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच बेसन। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे और अच्छे से हम इसे भूंज लेंगे। अब इसमें ऐड कर दूँगी मैं 1 कटोरी सूजी। ये देखिए, ये सूजी को भी हम बहुत अच्छे से भूंज लेंगे। ये देखिए, अच्छे से आपको चलाते रहना है ताकि वो बेसन के और सूजी के डल्ले ना बने। सूजी के तो नहीं बनेंगे फ्रेंड्स, पर बेसन के चांसेस होते हैं, तो आपको चलाते रहना है अच्छे से। ये देखिए, ये मेरा बेसन और सूजी दोनों अच्छे से भूज गया है। ये देखिए, इसमें कलर भी थोड़े से चेंजेस हो चुके हैं हमारे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हमारी कूटी हुई 2-3 मैंने इलायची कूट ली है, आप पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी मेरे बादाम और काजू के पाउडर, जो मैंने बादाम काजू का पाउडर बनाया था उसे मैं ऐड कर दूंगी और अच्छे से मैं इसे मिक्स कर दूंगी। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं इसमें हल्का सा पानी ऐड कर दूँगी। आप चाहे तो दूध भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये मैं पानी ऐड कर दूंगी फ्रेंड्स। अब मैं इसे अच्छे से चलाते रहूंगी, ये देखिए, जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हमारे शक्कर। आपको शक्कर अपने कितना आप मीठा पसंद करते हैं उसके हिसाब से आपको लेना है। ये देखिए, मेरा यहाँ रेडी हो गया है। अब मैंने इसे थोड़ा ठंडा कर लिया है। मैंने यहाँ पर मोदक का एक सांचा लिया है, इस सांचे में मैं इसे भर दूँगी अच्छे से। ये देखिए, अब अच्छे से इसे हमें भरना है फ्रेंड्स। बीच में हाँ खोखला नहीं होना चाहिए ताकि शेप्स अच्छे से आ जाए। ये देखिए, अब मैंने अच्छे से इसे भर दिया है दबा दबा के। अब आप इसे खोल के एक बार देख लीजिए। ये देखिए मेरे मोदक के पूरे शेप्स आ गए हैं। ये देखिए, अब मैं अगेन इसमें अच्छे से फिल करूँगी। ये आपको अच्छे से मोदक के सांचे में अच्छे से फिल करना है, जैसे हम गुजिया वाले सांचे में गुजिये को फिल करते हैं, वैसे ही आपको मोदक को भी फिल करना है। ये देखिए, हो गई है अच्छे से। ये देखिए, अब मैं इसे ओपन कर दूंगी। ये देखिए, कितने सुंदर से हमारे मोदक बन गए हैं। ये देखिए, अब इसी तरह मैं पूरे मोदक अपने रेडी कर लूंगी। चुके हैं मोदक रेडी। तो आप भी ऐसे ज़रूर बनाइएगा, कमेंट्स में ज़रूर लिख